हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब एकदम बढ़िया से होगे, मजे से होगे, एकदम मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो आज का वीडियो जो है मेरा वो है अदनान 07 के ऊपर। हाँ, वही टिकटॉकर जो का जिसका नहीं पता कि क्या है, कैसे है, क्या क्यों कैसे। मैं कुछ बोलूँगा नहीं भाई, क्योंकि मैं तो कहाँ मैं कहाँ वो सबको पता है। फिलहाल तो उसने भी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया हुआ था एलविस यादव के ऊपर। भाई साहब क्या इंटरव्यू दिया था उसने, मतलब मारा पूरा एलविस यादव का पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया उसने उस इंटरव्यू से। तो आज हम उसके इंटरव्यू को थोड़ा कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या था। ज्यादा सुर्खियां बटोरा सिस्टम करके एक पावर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनालिटी, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो जाहिल है तो पैसे नहीं रहते हैं, बाल कलर कर, तो झुग्गी झोपड़ी से निकल के हम लोग ये लेवल पे पहुंच रहे और खुद के दम पे पहुंच रहे और किसी को नीचा दिखा के किसी को गालियां देके तो नहीं पहुंच रहे। पहला चीज तो ये भाई कि वो कभी किसी को गालियां नहीं देता, वो उधर का उसका लैंग्वेज खुद का लैंग्वेज। और रही तेरी बात, तेरी गाली देने की बात ना भाई साहब, एक थगेश करके चैनल अगर आप देखेंगे आप लोग जाके, तो उसने इतना कुछ बोल रखा है उसके बारे में कि आप मतलब समझ नहीं सकते। और रही बात तेरी गाली की, तो भाई बात ही मत करो। वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनालिटी है। सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है और सामने आके अभी भाई भाई कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। एक मतलब अभी पता है सलमान को सिर्फ तेरे एक ही काम रह गया कि तेरे वीडियोस को देखना कि हाँ आज अदनान ने मेरे को क्या सजेशन दिया है, अदनान ने आज मेरे को क्या काम दिया। भाई वो सलमान है, वो ऐसे तेरे जैसे नीचे नहीं है भाई, वो बहुत ऊपर का आदमी है, उसके पास बहुत सारे काम है, ठीक है ना। तेरे जैसे अगर वीडियो देखने बैठ जाए ना, फिर तो हो गया उसके। मां जीतिया फिर आप सलमान बन गए, मेरी फोटोज एडिट कर रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट चैट के जो है उसको एडिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं उसने सलमान को रोस्ट किया था। तो इन्हीं रोस्ट की वजह से ही उसे बुलाया गया है बिग बॉस में और वो विनर बना। अब ऐसा थोड़ी ना कि उसको पता नहीं है, सलमान को भी नहीं पता, बिग बॉस को भी नहीं पता कि उसे क्यों बुलाया गया, समझे ना। तो भाई वो तो तुम रहने ही दो, सलमान के पास और भी काम है, तेरा वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। और तू ऐसे सलमान भाई वीडियो देखे उसे बाहर निकाल, साला ऐसे बोल रहा है जैसे कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई टीचर है वो, ऐसे कैसे बाहर निकाल देगा। सलमान भी खुद फीस लेता है बिग बॉस से इस शो को करने के लिए, तो जैसा बिग बॉस बोलेगा वैसा सलमान को भी करना पड़ेगा, ना कि सलमान खुद से निकाल सकता है, समझा ना। क्या यार तेरे पास दिमाग भी नहीं है भाई। चलो फिलहाल ये भी ठीक था भाई, उसने बुलाया मीडिया वालों को, सॉरी मीडिया वाले बुलाए नहीं, मीडिया वाले खुद ही पहुंच गया, भाई अदनान भाई एक इंटरव्यू दे दो, मर रहे थे इंटरव्यू के लिए। तो अभी रिसेंटली इसके बाद हुआ इसका बर्थडे का पार्टी हुआ था इसके अदनान 07 का, देखिए वहां पे इसने क्या किया। मैं तो ओपन हूँ और उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना, तो वो कैमरे के सामने बैठ के बकबक कर सकता है, पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए तो आई एम रेडी। झुग्गी झोपड़ी वाले मुंबई वाले को डिस्क्रिमिनेट करता है, इन लोग फर्क लाते मुंबई दिल्ली, क्या पता क्या इन लोग क्या समझते, और झुग्गी झोपड़ी पंचर बनाने वाले इन लोग, ये सब वर्ड बहुत ज्यादा। ये एल्विस को बॉक्सिंग मैच के लिए एक रिपोर्टर ने ऐसे पूछ लिया कि भाई क्या चैलेंज करते, तो इसने बोला कि भाई मैं तो एकदम ओपन चैलेंज। अरे भाई अब तू रहन दे यार, क्या चाहता है, हाथ पैर क्यों तुड़वाना चाहता है, तेरी चूड़ी की दुकान जो चल रही भाई उससे तू चला पहले, हाथ पैर तुड़वा लेगा साला, खर्चा अलग से बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं होएगा, घाटे में जाएगा भाई। तो आदमी जैसे रखते से ठीक, तो यार ये ना भाई फैजू है यार, ये समझता है, ये मैच्योर इंसान है, ये समझता है चीजों को, ये नहीं लेता उड़ती तीर अपने पिछवाड़े में, तुम साला फालतू का ले रहे हो अपने तीर, और तीर घुसती है तो दर्द करती, भाई तो ठंड रख, काम कर अपना ज्यादा। तो भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए माइक पे, तो ऐसे इंसान को क्या भाई यार, तेरे को ये नहीं पता है कि तो तेरे बर्थडे है, तेरा पत्रकार जो है जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो तुझे माइक के सामने ही बोलना होगा, जो माइक है उसके सामने बोलना पड़ेगा। क्या यार भाई तू क्या हीरो बनेगा रे तू। अच्छा इतना ही नहीं भाई साहब ने, भाई साहब देखो कुछ गिफ्ट भी लेके आए एल्विस यादव। किसके लिए हो सकता है? क्या है ना, सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है। यस तेरा एक दुकान टिकटॉक का था उसको तो एल्विस ने बंद करवा दिया है ना, उसके बाद तेरा दूसरा पंक्चर बनाने का काम वो भी मुझे लगता है बंद करके तूने चूड़ी की दुकान खोल रही। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो, क्यों उंगली कर रहे हो यार, देखो पता है ना क्या हालत किया था एल्विस यादव ने। आशिका भाटिया जो तेरी अम्मा है वो भी गई थी बिग बॉस में, तूने खुद देखा होगा वो कितनी डरी सहमी सी रह रही थी भाई। तो क्यों चाहता है कि फिर से उसी जगह पे वापस आ जाए छपरी में जहां तू रहता था भाई, इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर, अच्छे से रह तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो पता है वो क्या चीज़ है।
जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, मुझे क्या लगा है, मुझे ये लगा है ना कि ये मतलब साल में एक बार ऐसा होता है कि जब ये अटेंशन लेने आता है अपनी, आता है अटेंशन लेने, लेकिन होता क्या है कि जिससे भी अटेंशन लेने का ट्राई करता है ना, उसके फैंस इसे जाके बहुत सारा बढ़िया गिफ्ट दे के आते हैं। वो भी क्या दे के आते हैं, इसके कमेंट्स बॉक्स में गालियां, उसके बाद भी सरोज दर्डे का नाम नहीं ले रहा यार ये। और सलमान भाई का भी, सलमान नाम ले लेके उसने वीडियोस बनाए, उनके फैन को बहुत उल्टा सीधा बोला है, जो पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के आइकन है। अरे भाई तू अपना रोना बंद कर यार, मैं कितनी बार तेरे को बोल दिया कि सलमान भाई के पास बहुत सारे काम है, सिर्फ तू ही अकेले नहीं है। पता तेरे को नहीं बोलना चाहता, लेकिन तू साले छिली पेंसिल, तेरे को नहीं पता है कि सलमान भाई के पास बहुत काम है बेटा। अगर वो तेरे जैसे आदमी का वीडियोस देखने लगे, तेरे जैसे आदमियों के सजेशन लेने लगे ना, तब तो उनकी लंका लग जाएगी। तो क्यों भाई, क्यों तू बार बार हर वीडियोस में, हर इंटरव्यूज में सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई, अबे तेरे बाप के नौकर है सलमान भाई क्या भाई, तुम क्यों उड़ती तीर अपने पिछवाड़े में ले रहे हो भाई। एट लास्ट पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा ना कि देखो, जब से एल्विस और कैरी ने मिलकर टिकटॉक बंद करवाया है ना, बाकी टिकटॉकर्स को सारी चीजें समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गई, लेकिन तुम साला अभी वही के अटके हुए हो। तेरी दुकान टिकटॉक की बंद कर भाई, पंक्चर की दुकान बंद कर भाई, क्या चाहता है भाई, चूड़ी की भी दुकान तेरी बंद हो जाए तो मैं एक भला पर्सन होने के नाते मैं तेरा भला चाहते हुए सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई ना भिड़, ना ले पंगे उससे। देखो पता है कि दुकान बंद करवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है, बंद करवा देगा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आई होप कि तुम इसके बाद कुछ नहीं करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वेलकम फिर से करता हूँ आपको, क्या कहाँ तक आ गए हो और मैं वीडियोस देख रहा हूँ। यार तुम लोग देखो, एक चीज मेरे को प्रॉब्लम है तुम लोग से, तुम लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। नहीं अच्छा लग रहा तो भी लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो भी लाइक करो, कमेंट्स करो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, फिर से मिलेंगे, ये प्रॉमिस है। अगर नहीं मिलते ना तो कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट संडे को पक्का फिर से नई वीडियोस लेके आऊंगा, या तो रोस्ट या तो ट्रैवलिंग का कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, लेकिन लेके आऊंगा, ये वादा है, ठीक है, बाय, टेक केयर।